माननीय मंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी उपस्थिति, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमें किसान किया, आपका स्वागत, तालियां बहुत जोर से। आपके आते ही इस प्रांगण में ऐसा लगा कि बाहर आई, आपका स्वागत है और आपके स्वागत के साथ ही आज के इस प्रोग्राम का हम शुभारंभ करते हैं। आज हम इस प्रांगण में इकट्ठे हुए एकत्र हुए हैं एक उत्सव को मनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए। वित्त 2022-23 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु निःशुल्क मोटराइज ट्राइसाइकिल वितरण समारोह की हम यहाँ एकत्र हुए हैं और इसका विशेष श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने हमारी विशेष आवश्यकता वाले साथियों को दिव्यांगजन स्नेहल नाम दिया और उस नाम के साथ उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक योजनाओं की शुरुआत की और उसमें का जो ये द्योतक है इस चीज का कि दीप की लौ में उसकी ऊष्मा में हम अपने ईश से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कि जिस कार्य को हम संपादित करने के लिए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल हो। उसकी सफलता के लिए उस ऊष्मा के आगे हम अपना नतमस्तक करते हैं, उस रोशनी को हम नमन करते हैं और इस कार्यक्रम की संपन्नता के लिए अनुरोध करते हैं। प्रज्वलन के पश्चात अपने मुख्य अतिथि को इस प्रांगण में सभी के द्वारा स्वागत और उनका आशीष वचन लेना ये परंपरा है। जब अतिथि देवता के रूप में हो और वो अतिथि जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो इस उत्सव की मंचासीन दादरी के बहुत ही यशस्वी बेटा माइक जरा बेस बढ़ाओ ठीक से जरा इसका बहुत ही यशस्वी 37 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण कृत्रिम अंग के लिए भी हमारी सरकार की तरफ से आवंटित की गई थी। जनपद गौतम बुद्ध नगर एक विकास की दिशा में बढ़ता हुआ जिला है, आगे निकलता हुआ जिला है, इसलिए हमारे विभाग ने कोशिश की कि जो दिव्यांगजन सहायक उपकरण से कृत्रिम अंग से लाभान्वित होना चाहे उनको लाभान्वित करने की कोशिश की गई है। उसके उपरांत भी हमारे पास धन की उपलब्धता हमेशा रहती है। 11 लाख दिव्यांगजन हमारे विभाग से 1,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि प्राप्त करते हैं और दिव्यांग भाई बहनों हमें ये बात कहते हुए आपके बीच खुशी है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता के संचालन की बागडोर अपने हाथों में संभाली तब से लगातार
दिव्यांग जनों के भरण पोषण की राशि को भी बढ़ाने का काम। आप जानते हैं कि 2017 तक उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को भरण पोषण की राशि के रूप में केवल 300 रुपए मिले, श्री अखिलेश जी के जमाने में 300 रुपए महाभार, यानी 3600 रुपए साल। लेकिन महाराज श्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह राशि बढ़कर 12000 रुपए वार्षिक हुई है। इससे आपको इस बात का आभास जरूर हो रहा होगा कि दिव्यांग जनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, उस प्रतिबद्धता को हम निरंतर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांग जन नाम ये पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं रहा था, इसके पीछे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशीलता की सोच, सम्मान की सोच, स्वाभिमान की सोच। अन्यथा तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारे इस विभाग का नाम विकलांग कल्याण विभाग, विकलांग शब्द का प्रयोग, विकलांग समाज में एक ऐसा शब्द था जिससे हमारे दिव्यांग जनों के मनों में कहीं ना कहीं हीन भाव, स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कटौती होती। हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों के मनोबल को, स्वाभिमान को, समाज में दिव्यांग जनों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस विभाग का नाम विकलांग कल्याण विभाग से बदल कर दिव्यांग जन सशक्तिकरण रख के पूरे देश के दिव्यांग जनों के गौरव को बढ़ाने की कोशिश की। दिव्यांग शब्द की उत्पत्ति दिव्यता से हुई है ना सर, दिव्यता, दिव्यता हर दिव्यांग के अंदर ऐसी देनी, रजिस्ट्रार का खर्चा देना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ना है, पेपर सिस्टम ड्यूटी के खर्चे बढ़ने हैं, तो हजारों रुपए दिव्यांग जनों के मैरिज रजिस्ट्रेशन में खर्च हो जाते थे। दिव्यांग जनों ने हमें आग्रह किया कि मंत्री जी, जब श्रम विभाग के द्वारा होने वाली सामूहिक शादियों में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, तो दिव्यांग जनों के लिए भी शादी के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए, ये मांग उठी। और मैंने इस मांग को लॉजिक भी दिया, मैंने कहा और इस मांग पर विचार किया, और मुझे खुशी है कि मैंने मंत्री बनने के बाद अभी पिछले भी दिव्यांग जनों की शादी के अनुदान को मिलने की जो बहुत बड़ी बाधा थी शादी रजिस्ट्रेशन की, उसको समाप्त कर दिया है। अब किसी दिव्यांग को शादी रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा, अब ऐसे ही आपको शादी का अनुदान मिल जाएगा। बसों में निशुल्क सुविधा विभाग हमारा दे रहा है, कुष्ठ अवस्था से ग्रसित दिव्यांग जनों को भी हमारा विभाग 3000 रुपए की भरण पोषण की राशि दे रहा है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो कुछ हमारी सरकार कर सकती है, उसमें हम पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बहुत आप सबके सहयोग से लगे हुए हैं। लेकिन एक अपील जो मुझे आपसे करना, एक आग्रह जो मुझे आपसे करना है, एक आश्वासन जो मुझे आपसे लेना है, वो ये लेना है कि हमारी सरकार चाहती है कि दिव्यांग जन शिक्षित हो, बौद्धिक क्षमतावान हो। जब बौद्धिक क्षमता होगी, शिक्षा आपके पास होगी, तो पता नहीं आप में से कितने भाई बहन आईएएस की तरफ चलेंगे, आईपीएस की तरफ चलेंगे, पीपीएस पीसीएस की तरफ चलेंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे, तो टीचर प्रोफेसर एडवोकेट जज बनेंगे। इस नाते हम चाहते हैं कि आप केवल बैसाखी पे चलने वाले इंसान ना रहे, हम चाहते हैं कि आप समाज की बैसाखी बने।
आप देश की बैसाखी बने, आप उत्तर प्रदेश की बैसाखी बने। बैसाखी कैसे पढ़ लिख के बने? पढ़ने लिखने के लिए 3 साल से 7 साल के बच्चों के लिए हमारे पास 55 डे केयर सेंटर है। 100% खर्चा करके हम बच्चों की परवरिश का, पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं। मिडिल इंटरमीडिएट डॉक्टर सुगोत्तमा मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एशिया की नंबर 1, 160 एकड़ में तमाम सुसज्जाओं से सुसज्जित बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीए बहुत सारे कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, आज की तारीख में 4700 बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षारत हैं। इसमें से 1100 बच्चे दिव्यांगजन हैं। 50% का रिजर्वेशन है दिव्यांगजनों को। हमारे पास बहुत सारी सीट खाली, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज में सीट खाली है। यदि कोई बच्चा उन बड़ी एजुकेशन में जाना चाहता हो तो आइए, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं कि आओ, आपकी पढ़ाई का खर्चा हमारा विभाग उठाए, आओ आपके रहने का खर्चा हमारा विभाग उठाए, आपके खाने का खर्चा हमारा विभाग उठाए। एक भी पैसा किसी को खर्च नहीं करना है साहब, जहां तक जाएंगे वहां तक सरकार आपके साथ है। और दूसरा विश्वविद्यालय भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में है, जो हमारे रामायण, हमारे रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा, एक आदरणीय केंद्र है, एक सम्मानित केंद्र है। जब से महाराज श्री योगी जी ने प्रदेश की सरकार की कमान संभाली, दिव्यांगजनों के बहुत सारे संगठन, दिव्यांगजनों के बहुत सारी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजों ने इच्छा व्यक्त की कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार के कामों में सहभागी होना चाहते हैं, सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान करना। इनकी विभुता को हमारी सरकार ने पहचाना, हमारे विभाग ने पहचाना और हमें अवसर मिला ऐसे दिव्य शक्तियों को पहचान के पुरस्कृत करने का, सम्मान करने का। हमने लखनऊ के डॉक्टर सुगोत्तमा मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा दिव्यांगजनों को अलग अलग पुरस्कार देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम। इसलिए हमारी सरकार सोचती है कि हम दिव्यांगजनों को समाज के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने देंगे, आगे बढ़ने का मौका देते रहेंगे। उस मौके को देने के लिए हमारे विभाग की तरफ से जो दिव्यांगजन कोई दुकानदारी का काम करना चाहता है उनको 10,000 रुपए का बहुत सस्ती दर में हम ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 2500 रुपए की सब्सिडी है। जो दिव्यांगजन दुकानों का निर्माण करने की चाह रखते हैं उनको हम 20,000 रुपए का बहुत ही सस्ते ब्याज में ऋण देते हैं, जिसमें 5,000 की सब्सिडी है। सरकार चाहती है कि दिव्यांग किसी बैसाखी के सहारे की तलाश जिंदगी भर ना करें, दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज का एक पहरी बने, समाज का एक सहयोगी बने, समाज में प्रबल बने, समाज को दिशा देने वाला बने। इसलिए हमारी सरकार दिव्यांगजनों को उनके पैरों पे खड़ा करके उनको समर्थवान बना के इस दिव्यांगता के अपवाद को हटाना चाहते हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विभाग जब आवंटित किए, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दोनों विभाग इंडिपेंडेंट चार्ज। मंत्री की जब शपथ होने के बाद मुझे विभाग के आवंटन की सूचना मिली तो जितनी खुशी मुझे मंत्री बनने पर हुई, मंत्री बनने पर इसलिए हुई कि ना मैं किसी सदन का सदस्य था, ना एमएलए, ना एमएलसी, कुछ नहीं था साहब।
दिव्यांग जनों की सेवा मेरे भाग में थी, मुझे मुख्यमंत्री जी ने सीधा मंत्री बना दिया। क्या हम मंत्री बनिए बाद में एमएलसी वगैरह, मैं 3-4 महीने बाद में एमएलसी, बिना सदन के, बिना किसी सदन के सदस्य के मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और उससे बड़ा सौभाग्य जब मुझे मिला, जब मुझे सूचना मिली कि मुझे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का मंत्री बनाया, मुझे लगा कि मुझे काम करने का मौका भी होगा और पुण्य कमाने का अवसर भी होगा। मैं तो आपकी सेवा करके सेवा भी करना चाहता हूं और पुण्य का भागीदार बनने का भाव भी रखता हूं। इसलिए निरंतर मैं पुण्य के भाव को दिव्यांग जनों के बीच में ले जाकर अपनी सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी सेवा के क्रम में मंत्री बनने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में गया, 16 मंडलों में गया, बहुत सारे विद्यालय कॉलेजों में गया। मुझे दिव्यांग जनों की तरफ से सुझाव मिले, सामाजिक संस्थाओं ने हमको बहुत सारे लेटर दिए, ज्ञापन दिए। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि जो हमारे विभाग से दिव्यांग दंपतियों को शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपए मिलते हैं, उस 35,000 रुपए को दिव्यांग जनों को पाने में बहुत बड़ी समाज के हर वर्ग को मजबूती मिल रही है। और जब समाज का हर वर्ग मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। क्योंकि जब समाज का एक भी पक्ष पीछे रह जाता है तो कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। ये एक पहल है उस कमजोरी को दूर करने की। सर, आपने बोला कि दिव्यांगों के बच्चों को फ्री में पढ़ाई दी है, ये शिक्षा वाले फोन हम लोग बच्चे केंद्रीय हम लोग बच्चे, लेकिन आज तक हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध है यहाँ पर उपस्थित कि अभी लंच पैकेट लेके आप सभी लोग जाएं। Thank you.